हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू द क्लास ऑफ एसएसपी, द फाइनेंस एंड ईजी स्पीड टू लर्न द कांसेप्ट, द चैनल वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट चाणक्य नीति एपिसोड, और चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक की रिविजन सीरीज की जो वीडियो लेक्चर्स है वो अपलोड कर दी है। अगर आपने उसे मिस करा है तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अपने मोबाइल के स्क्रीन को कहीं पर भी टच करो, यू विल सी देयर इज अ छोटा सा सिंबल आई, टच दैट आई, यू विल सी all the link of previous video। या आप ये भी कर सकते हैं कि चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने लिंक दे रखा है, जस्ट गो देयर एंड फील द फिजिक्स। तो बच्चा पार्टी, आगे हम एसी जनरेटर आज स्टार्ट करने वाले हैं, बट आगे बढ़ने से पहले वो जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन है ना, उसे फटाफट दबा दीजिए। साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम दिस चाणक्य नीति एपिसोड। और ये है हमारा एडवांस चाणक्य कोर्स। डरने की कोई बात नहीं है, एडवांस चाणक्य कोर्स के बारे में बताता हूं फटाफट। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर, सैंपल पेपर, साथ ही साथ बोर्ड में जो एमसीक्यू सीरीज आने वाली है उसके लिए 300 एमसीक्यूज भी मैं अपडेट कर चुका हूं, बहुत सारे बच्चों ने इसे परचेस कर लिया है। ज्यादा नहीं, ओनली 999 आपको पे करना है। और ये कहां से पे कर, कैसे पे करना है, कहां से मतलब ये कहां से आपको मिलेगा, तो ये आपको एक वेबसाइट का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां पर विजिट करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 9 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में कॉल करिए। कुछ बच्चे रात को 12-1 बजे कॉल करते हैं तो शायद रेस्पॉन्स ना मिल पाए, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं इसे खरीदने के लिए, इसे परचेस करने के लिए। बाकी बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। चाणक्य नीति को अगर आप यूट्यूब से भी करते हैं कंटिन्यू, तो भी आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। मैं यहां पर आपके साथ हूं, जब तक है सांस तब तक है एसएसपी आपके साथ, डोंट वरी बच्चा पार्टी। सो लेट ऑल राइट बच्चा लोग, सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए अपने आप से कि यार, इस मास्टर ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा दिए, सब कुछ करा दिया, यहाँ तक कि आपको ये भी बताया मैंने कि किस तरह से एग्जाम में लिखना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या वाकई आपने ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए हैं? अगर पढ़ लिए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ये वेलकम है कि आप ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। बट अगर नहीं तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को देखते हुए आइए। आई गेस ये एपिसोड नंबर 22-23 में भी होगा ये, क्योंकि एक एडवांस शूट मैं कर रहा हूँ। सो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ एपिसोड को पूरा देखिए और पूरा का पूरा चाणक्य नीति आप चार्ट करके जाइए। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको हिला सके। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि एक चीज़ अपने मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर कर लो, ये चैप्टर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देके जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, इसके अंदर पूरा का पूरा जो सेक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन डेरिवेशन। तो इस चैप्टर को अच्छे से करके जाइए, और अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया तो इसके क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट करें, ये मेरी गारंटी है, जिस तरह से सिखाया जा रहा है, अगर आपने इसे कर लिया तो आपको इस चैप्टर में से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने ही वाले। तो बच्चा लोग, हमें सीखना है अल्टरनेटिंग करंट। यस, आपके घरों का जो सप्लाई है वो आपको पता है कि वो अल्टरनेटिंग ही है, चाहे वो फैन की बात करो, चाहे एसी की बात करो, चाहे लाइट वाइट, जो 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 भी कनेक्शन है वो सब अल्टरनेटिंग करंट पे काम कर रहा है। हाँ, कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं जिन्हें डीसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिसको जो चाहिए वो आप मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर के अंदर सीखोगे। खैर, हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लास्ट टॉपिक क्या था, आपका जनरेटर था। यानी हमने टर्बाइन घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, फिर हमने वोल्टेज भी देखा कि वोल्टेज E इज इक्वल टू क्या आता है, E नॉट साइन ओमेगा डी, जिसमें E नॉट इज इक्वल टू Vm था बच्चा लोग। यस, दैट वॉज मैक्सिमम वोल्टेज। इसी के हिसाब से अगर हम करंट सोच लें तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा डी। बहुत अच्छे, हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट करा था और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आया था, जो बताता है कि कभी मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम हो जाता है, फिर ये ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये एसी का ग्राफ है, ये डीसी का ग्राफ है, ठीक है, ये डीसी की साइन है और ये एसी का साइन है, इस तरह से मस्त सुंदर सा टेनिस बॉल। और आपके घरों में जो सप्लाई आती है, जो इंडियन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो लगभग 220 वोल्टेज कॉमा करके 50 हर्ज होता है, ये चीज हो गई, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये लेक्चर को, अगर आपने ध्यान से सुना आपको बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी, यू विल स्लोली रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद अल्टरनेटिंग करंट आल्सो। हाँ, आपकी दुनिया करंट हो जाएगी। चलिए देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए मेरे बच्चा पार्टी हमको बता दे कि 220 वोल्टेज ई नॉट है या पूरा का पूरा ई है या क्या है, बता दे। रियलिटी में ये जो वैल्यू है 220 वोल्टेज, दिस इज नॉट ई नॉट एंड दिस इज नॉट कंप्लीट ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट दिस इज आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। कम ऑन, फिर से सुनिए,
दिस इज नॉट अ पीक वैल्यू, जो आप E0 को बोलते हो मैक्सिमम वोल्टेज, नहीं ये पीक वैल्यू नहीं है, बट दिस इज वॉट RMS. ओ हो, वॉट इज RMS? फुल फॉर्म अप अगर पे चले जाएं तो R का मतलब है रूट, M का मतलब है मीन, S का मतलब बच्चा लोग स्क्वायर. ये अपने को मालूम है, रिविजन सीरीज चल रहा है, ठीक है, बट डुबा दूंगा, मेरी गारंटी है. RMS, रूट, मीन, स्क्वायर, यानी ये जो आपके इंडियन सिस्टम में अपने भारत के भारतीय घरों में जो ये सप्लाई आ रहा है 220 वोल्टेज, दिस इज व्हाट, नॉट अ वैल्यू ऑफ वोल्टेज, नॉट अ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ RMS एंड दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, यानी 50 हर्ट्ज पे टूई 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 बदल रहा है, यानी कि हर इतने बार बदल रहा है, बट ये इतना फास्ट होता है अपने को पता ही नहीं चलता यार, ये ऐसे वी जीरो बहुत बार हो रहा है ना. तो ये सिस्टम में जो 220 वोल्टेज आती है, याद रखिए दिस इज नॉट E0, दिस इज नॉट वोल्टेज, बट दिस इज व्हाट, RMS. अब चर्चा करेंगे कि RMS क्या एंड क्यों, मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनना, RMS कैसे निकालते हैं, क्या मतलब कैसे निकालते हैं और क्यों इसकी जरूरत है भाई साहब, ये चीज को हम समझते हैं. तो देखिए RMS को कैलकुलेट करने के लिए, हाउ टू कैलकुलेट RMS, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि RMS का फुल फॉर्म है आपका, पहले स्क्वायर आएगा, फिर आएगा फाइंड एवरेज मीन, M का मतलब मीन है बेसिकली, और R का मतलब है रूट, यानी ये तीन स्टेप में आपको RMS मिल जाएगा. सबसे पहले एवरेज निकालिए, सॉरी स्क्वायर करिए, जो भी फंक्शन है उसका मीन निकालिए, और उसके बाद उसका क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए. कोई भी फंक्शन का मीन अगर हमें निकालना है, कोई भी फंक्शन का, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, तो यू शुड यूज दिस इक्वेशन. दिस मैथमेटिकल इक्वेशन बच्चा लोग, इसे आपको याद करना है. जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, एंड आई हैव टू कैलकुलेट द उसका जो एवरेज वैल्यू है, सो वी शुड यूज दिस इक्वेशन, कि ये इस तरह से, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मीन. सो फंक्शन dt FTDT इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन DT. मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक इक्वेशन है करंट की, वो है I=I0 sin ωt. तो बताइए 5 सेकंड में इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है I0 sin ωt, 0 से लेके 5, 0 से लेके 5, दैट्स इट. सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देख बच्चा लोग, पहले स्क्वायर करते हैं, तो ये देखिए स्क्वायर कर दिया, वी E का स्क्वायर कर दे, मैं एवरेज किसका निकाल रहा हूँ, मैं EMF का निकाल रहा हूँ, EMF वोल्टेज बोल दो, करंट बोल दो, करंट निकालना तो फिर I समझ लेना. तो फिर मैंने इसका निकाला, तो हमने ये ब्रैकेट करा, दैट मीन्स व्हाट, मीन वैल्यू है ना, एवरेज भी लिख दिया और फिर स्क्वायर कर दिया, तो मतलब दो स्टेप मैंने कर दिया, स्क्वायर एंड मीन. तो हमने रखा, देखो जीरो से लेकर के टी क्यों लिया, क्योंकि कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल में एक ऑसिलेशन होगा, तो जीरो से लेकर के टी, फिर नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और फिर dt. कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है बेझिझक होकर कमेंट करना, ये पूरा चैप्टर इसी तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ ही चलेगा. अच्छा भाई साहब, इसका आंसर तो टी हो गया, ये देखिए बाहर आ गया, E0 स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to t, और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, बेसिकली यहाँ पर बाय वाले बच्चा लोग ध्यान से सुनेंगे, इसका फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और फिर टी हो गया. ठीक है, बहुत अच्छे. अब सुनिए, ये जो आपका 2 है बाहर आ गया, ये देखो बाहर आ गया. अब ये जो 1 है dt के साथ मल्टीप्लाई होगा तो t होगा. यस t होगा. और फिर अगर मैं इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं तो क्या कैपिटल T होगा? यस सर. उसके बाद देखिए cos का इंटीग्रेशन बच्चा लोग साइन ओमेगा टी, ये देखिए साइन ओमेगा टी, लेकिन t के साथ ओमेगा भी है तो वो नीचे आ जाएगा. ओ हो, आ गया, ठीक है. फिर 0 से लेके t, क्योंकि यहां पर ये है, ये t एज इट इज, ओमेगा के जगह पर हमने लिखा 2π/t, दैट इज फॉर्मूला, कुछ नहीं कर सकते इसके साथ. अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट वी, 0, साइन 0 इज व्हाट, 0, एंड बेसिकली वी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. बच्चा पार्टी हमेशा करिए वी, कुछ ही समय बचे हैं, 2019 खत्म होने वाला है, 2020 की शुरुआत की खुशियों के लिए वी करिए, बिकॉज ये आपका स्ट्रेस कम कर देगा. हाँ अच्छा, साइन शून्य क्या होगा? शून्य होगा. ओ हो, और ये देखो टी से टी कटीला है बच्चा लोग, तो साइन 360, बिकॉज 2 into π, यानी साइन 360, और साइन 360 की वैल्यू शून्य होगी, तो शून्य माइनस शून्य डिवाइडेड बाई कुछ भी, आंसर शून्य. हाँ बच्चा टी, ओ हो, ये टी ने टी को मार दिया, तो बच्चा क्या, E0² / 2. अगर लास्ट वाले स्टेप में रूट भी कर लो बच्चा लोग, तो यही मेरा आंसर आएगा, देख E0 / √2. हाँ, इसी तरह से अगर हम करंट की इक्वेशन को भी याद रखें, सो दैट इज व्हाट, I0 / √2, यानी कि ये जो 220 वोल्टेज आ रहा है, ये कुछ इसी तरह की वैल्यू है, E0 / √2. यहां से एक सिंपल सा जोरदार क्वेश्चन, जब मैं JEE का सेशन लेता हूँ अकेडमी पर, तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमको ना AC का झटका लगेगा तो हम जीवित रहेंगे, या DC का झटका लगेगा तो हम जीवित रहेंगे. तो देखिए फिजिक्स है, लॉजिक क्लियर होगा तो आप जवाब दे पाएंगे. अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मैंने आपको 220 वोल्टेज का AC दिया,
और 220 वोल्टेज की मैंने आपको एसी सप्लाई दी, 220 का डीसी दिया, 220 की एसी दी, तो आपको ज्यादा झटका पता है किसमें लगेगा? एसी में। रीजन, आप दोनों 220 है, बोलोगे सर क्या पागल बना रहे हो, 220 ये भी दे रहे हो, 220 ये भी दे रहे हो, तो काय को बोल रहे हो एसी मरेंगे यार, दोनों को सेम सेम झेल लेंगे। नहीं बच्चा पार्टी, जो 220 का डीसी है वो सिर्फ 220 है, बट क्या रियलिटी में जो 220 का एसी है वो 220 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 है। हाँ ये देखिए, E not by root 2. मैंने बोला 220 का AC, that means what? ERMS. 220 voltage का AC मतलब क्या? 220 का AC मतलब क्या? ERMS. यानी वो maximum maximum कितना खींच के ले जाएगा? तो E not is equal to 220 into root 2. लगभग लगभग 311 आएगा. कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा. ये हमारे भारत के घरों के अंदर आने वाली महत्तम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है. तो कहां 220? कहाँ 311? मतलब ज्यादा झटका किसको? मरने को तो दोनों में मर जाएंगे यार, ठीक है, लेकिन ज्यादा किससे लगेगा? एसी में. ज्यादा खतरा एसी से. गॉट माय पॉइंट? इसलिए अगर अपने मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर करके रखिए कि अगर एसी सप्लाई के अंदर कुछ भी आता है, इसका मतलब डायरेक्टली अगर कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब वो उसको मैक्सिमम नहीं लेना है, उसको क्या लेना है? आरएमएस. ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चा लोग कि आरएमएस की जरूरत क्यों है, क्यों है. तो वास्तविकता में आरएमएस की जरूरत है हमारे घरों के अंदर जो बिजली आ रही है, बिजली, हाँ, हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उसकी जो यूनिट है उसको मापने में आसानी करने के लिए, उसे आसान करने के लिए. अब जरा सोचिए, कॉमन मैन है, आदमी है, ठीक है, भारत में हर जगह पर, बहुत सारे जगह पर जो है आज भी बिजली की चोरी होती है. मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, मैं सीधा ये समझाना चाहता हूँ कि हमें आरएमएस क्यों. तो उसका सिंपल सा लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि आरएमएस लेने से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है. जो रीडिंग्स होती है, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगा है जिसमें यूनिट्स आते हैं, फिर आपके पिताजी जो है पैसे भरते हैं, तो आरएमएस से वो बहुत आसान हो जाता है. क्यों होता है? तो जरा समझते हैं उसके लॉजिक को. जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है, रेजिस्टेंस उसका आर है, ये एसी सप्लाई दिया, हुई करंट गई आई नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट तो यही जाएगी, ठीक है. अब इस रेजिस्टेंस से जाएगी तो हीट, यानी लाइट के फॉर्म में आएगा, तो वो हीट को निकालने के लिए हमने ये इक्वेशन लगाया, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर एंड देन डीटी, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डीटी. यू नो अबाउट दैट फॉर्मूला ऑफ पावर, I square R, तो एनर्जी बाई टाइम, तो पावर दिस मल्टीप्लाई, ये सीधा इंटीग्रेशन I square R dt, ठीक है. अच्छा, इससे जब आप इंटीग्रेशन करवर के I is equal to I not sin omega t का इतना बड़ा इंटीग्रेशन करवर के, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आसान नहीं है वो, क्योंकि साइन का स्क्वायर भी आएगा, उसको तोड़ेंगे बिल्कुल ऐसा आएगा, इतना लंबा स्टेप मारेंगे, ठीक है. उसके बाद उसको यूनिट में भी कन्वर्ट करेंगे ना, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट, क्योंकि आपके घरों में जो रीडिंग्स आती है वो यूनिट में आती ना बिजली का, कि भाई साहब इतनी यूनिट है, इतना खर्च हुआ है, तो इतना उस हिसाब से पैसे लगते हैं, है ना. तो उसको क्या करना है, इस एनर्जी को इससे डिवाइड करते हैं तो जाते हैं नॉर्मल प्रोसेसर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा आता है. तो ये जो प्रोसेसर काफी टफ है, ये क्या है, काफी टफ है, ये आरएमएस से आसान हो जाती है. कैसे? तो देखिए, अब ये आई के जगह पर मैं समझता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो मैंने लिख दिया, आर भी लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, ओके. अब देखिए, मैं अगर आई आरएमएस का स्क्वायर करूं तो क्या एवरेज आई का स्क्वायर? अब आप सोचेंगे सर ये कहां से लिखा आपने, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, बट नॉलेज के लिए दे रहा हूं, ठीक है, भले रिवीजन प्रोसेस बच्चा लोग सब नॉलेज के लिए दे रहा हूं. हाँ, ये पूछ लिया जाएगा, इस पर से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए. ये कहां से आया, तो यहां से समझिए. जैसे ये ई नॉट बाई रूट टू क्या है, ई आर एम एस है ना, ई आर एम एस, पक्का ई आर एम एस. ये देखिए, ई आर एम एस है, ई आर एम एस का स्क्वायर मारेंगे तो क्या आएगा, एवरेज ई का स्क्वायर. इसी तरह से आई आर एम एस का स्क्वायर मारेंगे तो क्या आएगा, एवरेज आई का स्क्वायर. ये आया, और देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, वायरस में बन गया हूँ, दोनों हाथ से लिखता हूँ. देखिए 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 देखिए, थ्री इडियट वाला, देखिए देखिए देखिए, अरे अरे अरे, हाँ ये देखिए, ये कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अरे ऐसे ही निकालते हैं ना, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी, ये देखो, हाँ ये देखिए, सेम राइट. अब सुनो बच्चा लो, अगर मैं इस वाले को सब्जेक्ट बना लूं तो क्या आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी टी? हाँ सर, ओ हो. अब सुन बच्चा लोग, आई स्क्वायर डी टी बराबर आई स्क्वायर आर एम एस इंटीग्रेशन डी टी. हाँ, गजब गजब गजब. ये जो आई स्क्वायर डी टी है, सोच बच्चा लोग, ये जो आई स्क्वायर डी टी है, ये जो आई स्क्वायर डी टी है, ये जो मैंने अभी भी मार्किंग करा, क्या इस इंटीग्रेशन के साथ, ये और ये इंटीग्रेशन के साथ उसके जगह पर लिखूंगा तो यही आ जाएगा. ये देखिए, आई स्क्वायर डी टी की जगह पर आई स्क्वायर आर एम एस आर, और फिर आपका क्या बच गया, ये डी टी बच गया, बचा ना. तो ये डी टी का आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा.
ये डी डी का आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और ये जो आई आर एम एस है वो सीधा आई नोट बाई रूट टू हो जाएगा, स्क्वायर मारेंगे तो फिर ये आ जाएगा। अब खुद ही सोच के देखो कि ये वाली प्रोसेसर में आपको डायरेक्टली पता है कि सप्लाई आ रही है इतनी, तो आई नोट पता है, बिकॉज आई नोट इज वॉट, जो सप्लाई आ रही है इंटू रूट टू, सीधा रखा, सीधा एनर्जी आ गई, सीधा डिवाइड करा। खुद सोचिए कि आम आदमी को ये वाला समझ में आएगा कि ये वाला समझ में आएगा, भाई साहब ये वाला, उसको ये कहाँ पता चलेगा यार। और हर बार आपके पास इतनी एक्यूरेसी भी नहीं है कि आप इतना करेंगे, चेक करेंगे, तो जो आपको घर में सप्लाई आता है ना, उसका कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, रीडिंग्स को ईजी करने के लिए ये मैथड का यूज़ किया जाता है, इंटीग्रेशन मैथड, रूट मीन स्क्वायर वाला, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको एग्जाम में तकलीफ नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। हाँ, ये आरएमएस का डेरिवेशन पूछा जा सकता है, अपने बोर्ड रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या बोलते हो यार, आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा।